माओ मुकाबिल सफल होइछि ओडिशा नक्सलों गतिविधि उपरे नजर रखिछि बीएसएफ 2010 एप्रिल मासरु मालकानगिरी और कोरापुट जिले में नक्सल दमन ने बीएसएफ को सफलता मिली। आगर लाल बाहन आतंक लगि रहा एवं शांति आसी बीएसएफ स्पेशल ऑपरेशन आईजी धनेश्वर कुमार शर्मा कहते तीन वर्ष होब कोरापुट मालकानगिरी जिले में नक्सल गतिविधि ह्रास पाई राज्य और केन्द्र सरकार मिलित निष्पत्ति चलित बर्ष कोरापुट जिलूर गोटे बीएसएफ बाटालीयन को कंधमाल जिला को अणा 2024 रे आउ एक बीएसएफ बाटालीयन को स्थानांतर कर कंधमाल नक्सल गतिविधि उपर नजर रखी दमन ऑपरेशन जोरदार करएसएफ स्पेशल ऑपरेशन आईजी धनेश्वर कुमार शर्मा प्रतिक्रिया रखिंट। बीएसएफ 2010 अप्रैल से उड़ीसा में कोरापुट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे ज़्यादा नक्सल इन्फेस्टेड डिस्ट्रिक्ट रहे हैं उसमें डिप्लॉयड रही है और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट डोमिनेशन और काम करने की वजह से आज कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन शांति छाई है और पिछले 3 साल से कोई भी नक्सल रिलेटेड एक्टिविटीज़ दोनों डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई है। उसका फ़ायदा उठाते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर गवर्नमेंट के साथ मिलके डिसीज़न लिया कि कोरापुट से एक बटालियन को निकाल के जहां नक्सल की एक्टिविटीज़ अभी थोड़ी बहुत चल रही है कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय किया जाए। तो जनवरी 2023 में एक हमारी बटालियन कोरापुट से उठ के कंधमाल चली गई और अभी भी क्योंकि वहाँ एरिया थोड़ा सा भी इंट के रिपोर्ट है कि वहाँ पर नक्सल्स की मूवमेंट है लेकिन जब से बीएसएफ गई है कोई भी वहाँ नक्सल रिलेटेड एक्टिविटीज़ कंधमाल में नहीं हुई है। फिर भी एक और बटालियन हमारी जो है इससे कोरापुट से उठ के जो है जनवरी 2024 में कंधमाल बालीगुड़ा और बोध में जाके उसकी डिप्लॉयमेंट होगा।